यदि मान लीजिए हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती तो हमें सुख कैसे मिलता। तो ऐसा बोलते हैं कि एक पशु होते हैं, देखो स्वरूप शुद्ध सबसे अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं प्रपंच उपशम शिव। आपने अपने हाँ फोन को म्यूट में रखिए, फोन को म्यूट में, हाँ सर्वानिमा फोन को म्यूट में रखे, समर्पिता माता जी फोन को म्यूट में रखे। तो ये जो प्रपंच पूरा विस्तार जब अपने अधिष्ठान में लय प्राप्त कर जाते हैं, इस एकत्व की भावी सबसे कल्याणकारक है, इसमें सजातीय विद्या की सगुण भावी है और यही हमारा पारमार्थिक स्वरूप, यही हमारा पारमार्थिक स्वरूप। इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति को क्या फल मिलता है, संविशति आत्मना आत्मानम या एवं वेद, अपने द्वारा अपने आप इस अपने स्वरूप में प्रवेश कर लेता। अभी जो है मतलब टेम्पोररी एड्रेस से परमानेंट एड्रेस में पहुँच जाता है, इसका फल यही है। टेम्पोररी एड्रेस शरीर है, स्वामी सर्वानंद है, और स्वरूप परमानेंट एड्रेस भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, अब वहाँ पर प्रवेश हो जाता है, है ना। टेम्पोररी एड्रेस गया फिर वहाँ के चक संबंध नहीं है। आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानम जय एवं वेद, इस प्रकार जानते हैं। इसके ऊपर जो है पूरा भाष्य टीका हो गया था, अब हम लोग इसके ऊपर जो गौर पदाचार्य काली का टीका, इसके ऊपर खंड भी कल पढ़ लिए थे हमने ना, पूर्व आचार्य के द्वारा जिसको सूफी अर्थ को प्रकाश करने के लिए पहले भी श्लोक काली का लिखा, ठीक इसी प्रकार इस मंत्र के ऊपर भी हमारे गौर पदाचार्य कुछ कहना चाहते हैं, उसको लेकर थोड़ा पूर्ववत अर्थ लेते श्लोक का। श्लोक को पढ़ते हैं अभी, ओंकारं पादशो विद्यात् पादमात्रा न संशयः, ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। ओंकार को क्या करना चाहिए, ओंकार को पादश विद्वा, पाद मतलब ये जीव की, ओंकार में तो मात्रा है, उस मात्रा को पाद के साथ मिला करके ओंकार की चिंतन करना चाहिए। क्यों, पाद और मात्रा में तो अभिन्नता नहीं, भिन्नता नहीं अभिन्न है, पादा मात्रा न संशय, जो पाद है वही मात्रा है, जो मात्रा वही पाद बोल करते हैं। इस प्रकार से ओंकार और ओंकार की मात्रा और शिव अपने स्वरूप की जो जीव की पाद है, इन दोनों को ज्ञान ओंकार और पादश हो ज्ञात। देखिए ओंकार को ओंकार मतलब अकार उकार मकार, उसको पादश पाद के साथ मिला करके जान लेने पर, ज्ञानता जान करके फिर क्या है, न किंचित अभी चिंतय, ये देखिए विधान है, चिंतय विधि वाक्य है,
चिंता धातु टेंथ कॉन्जुगेशन का होता है, पोटेंशियल में। एक बार जब भगवत चिंता में मन लगता है और मन को संसारिक किसी भी विषय में और किसी भी विषय मत लगा। देखिए भगवान की प्रतिज्ञा भगवत गीता में, अनन्यो चिंतयन तमाम ये जना कलयुगासते तेषां चिंताभिलुप्तानां योगक्षेमम्। ठीक है ना, भगवान की प्रतिज्ञा है कि भाई तुम यदि मेरा चिंतन करते हो तो तुम्हारे हर चिंता की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हम लोग कुछ भी चिंता करते हैं, किस लिए चिंता करते हैं? कल क्या होगा, तो आगे क्या होगा, उसका क्या हुआ था, पास्ट और फ्यूचर को लेकर भी चिंता करते हैं, अधिकतर प्रेजेंट को छोड़ देते हैं। और भगवान बोलते हैं तुम केवल प्रेजेंट को लेकर के विद्यमान हो, तुम्हारा फ्यूचर हम देख लेंगे और पास्ट जो हो गया तो गया। अनन्य चिन्ह अभिन्नता के साथ जो भवियों का उपासना, मतलब ईश्वर के साथ अभिन्नता का चिंतन करने वाला अनन्य, मतलब दो प्रकार होता है, मतलब अभिन्नता के साथ अथवा विदाउट एनी इंटरप्शन, कभी किया कभी नहीं, कैसा नहीं, एक तान से अनन्य चिंतन तो माँ मेरे को ये जना पर उपासक है, जो लोग मेरे को चारों तरफ से ये मेरा ही उपासना करते हैं, परिसमता उपासक है तेषाम नित्ता भी नित्ता। इस प्रकार से जिन लोगों का मन हमारे साथ नित्य जुड़ा हुआ है उनका योग क्षेम, मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा दोनों की जिम्मेदारी होती है। वहाँ में हम धो करके लाते हैं, धो करके लाते हैं भगवान आप में आप ही। तो यहाँ पे जो है ये विश्वास जब तो भगवान जो करते हैं जो नहीं करते हैं उसका भी भगवान ही लाते हैं। जो उपासना भगवत चिंतन करते हैं उसके जैसे भगवान लाते हैं, और जो नहीं चिंतन करते उसका नहीं लाते हैं, तब तो फिर ईश्वर पक्षपाती तो आ जाएगा। जो भगवान की चिंता नहीं करते उसका भी खाना पीने का थोड़ा कुछ तो भगवान ही कर रखा, परंतु एक व्यक्ति के आनंद है, शांति है, टेंशन नहीं है, और एक व्यक्ति का आनंद होना नहीं, दुख अशांति और टेंशन, इतना भिन्न है। भगवान निर्भर होकर के जीने से लाभ क्या है, अब टेंशन नहीं, आनंद से शांतिमय जीवन बिताएंगे। और यदि आपने कर दी तो अहंकार के ऊपर भरोसा करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब दुखमय अशांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे, क्योंकि कभी क्या होगा क्या नहीं। अब जब मन में निश्चय है तो भगवान जो हमारे लिए लाएंगे वो हमारे लिए सबसे अच्छा, ये भावना यदि निश्चय हो जाता है कभी भी मन में ये होता तो अच्छा होता, ये भावना ही उपज ना करिए, और वही दुख के कारण, वही दुख के कारण। मैंने बोला था देखो इच्छा दुख के कारण नहीं है, इच्छा सुख के कारण होती, यदि आपकी इच्छा ही नहीं होती तो सुख कभी अनुभव नहीं होता, परंतु इच्छा की लिमिटेशन कहाँ तक होना चाहिए आनंद, वो हमारे लिए दुख का कारण, वो दुख का कारण। इच्छा को जितना लिमिट ट्रांसग्रेस कर जाएंगे, लिमिट को अतिक्रमण कर जाएंगे तब वो हमारे दुख का कारण। जो सामान्य इच्छा क्या है, भगवत प्राप्ति हो अथवा जीवन धारण के लिए जो चाहिए वो हमें मिले, इतना इच्छा तो भगवान पूरी कर ही देते हैं, है ना। तो इसीलिए आप उसी समय सुख भी होता है, यदि आप इच्छा मतलब हमारी कैपेसिटी के अधिक हम इच्छा करते हैं वो हमारे लिए दुखदायक होता है। एक ही इच्छा सुखदायक भी है, एक ही इच्छा दुखदायक भी है। यदि इच्छा नहीं होती तभी कभी भी सुख का अनुभूति नहीं होती। इसी प्रकार से धीरे धीरे इच्छा को शुद्ध करते हुए भगवत प्राप्ति की इच्छा तक ले आएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा में नित्य विद्यमान रहेंगे। इसलिए आप शास्त्र को सावधान कर रहे हैं, यदि एक बार भगवत चिंता में अथवा साधन मार्ग में मन लग गया इधर आ गए, फिर संसार के विषय में चिंता न किंचित भी चिंता, तुम्हारे बाकी सारा जिम्मेदारी जिम्मेदारी में। और भगवान की इस बात को कि मतलब ये प्रसिद्ध कथा है, सभी के सभी जानते हैं इस चीज़ को। एक ब्राह्मण बूढ़ा रोज गीता पढ़ता था और वो भगवत निर्भर होकर के जीता था, और ब्राह्मण के घर में शायद दरिद्र था, वही अहंकार था, पूर्व में दरिद्र था, शायद ब्राह्मण के अलंकार होता था, वो घर में अधिक कोई ये नहीं था। तो एक दिन देखा कि पत्नी ने बोला घर में कुछ नहीं है, खाने पीने के बच्चे को क्या देंगे कुछ, तो ऐसा बोला है, तो उसने भगवत गीता कि इस श्लोक को जो है अनन्न चिंतन तमाम जनम जनम पद इस श्लोक को एक लाल पेंसिल से काट दी, भगवान की वचन सही नहीं थी, काट के फिर चले गए अपने जैसे चादर कुछ करने में। रात में आकर के देखने की घर में जो है भोजन बना रहे हैं, तुमने तो सुबह बोला कि कुछ नहीं है घर में, आप भोजन कैसे बना रहे हो, बोलते क्यों आपने जो बालक को भेजा था सामान देकर थोड़ा चुप हो गए, फिर बोलते हैं अच्छा मैंने किसी बालक को भेजा था, हाँ तो क्या बालक क्या रहा, बोलते एक पूरा टोकरी में भर करके बहुत सारे सामान भोजन सामान आया जिससे तो बन गया। अच्छा तुमने बालक को देखा था, बालक का चेहरा कैसा था, तो बोलता बालक ने मेरे से थोड़ा पानी मांगा तो मैंने देखा कि बारिश कैसे दूर उस जो सामान आया उसमें थोड़ा गुड़ भी मिला, तो मैं बालक को गुड़ के साथ पानी दिया, तो जब पानी पी रहा था तब मैं बालक के चेहरे की तरफ देखा, उसका होठ फटा हुआ था,
और ब्राह्मण रोने लग गए। ब्राह्मण ही इंद्र ने भगवान का दर्शन दे दिया। लेकिन बोलता कि आज सुबह में इसको इस पंक्ति को काट दिया था और देखो उद्धार भगवान था। तो इसलिए विश्वास होने से निश्चित ही भगवान हमारा हर योगक्षेम को वहन करते हैं। न किंचित अपि चिंतित, कभी भी अपने योगक्षेम की अथवा आगे क्या होगा इस ठीक है बुद्धि भगवान ने दिया, हम उसको मतलब उपयोग करके व्यवहार कर, मत वो बुद्धि भी भगवान के साथ लेकर के चाहिए। भगवान आपने ऐसा बुद्धि दे रहा है जो होगा होगा। इस प्रकार से जो न किंचित अपि चिंतित, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन हियर, क्या है कि बाहरी जगत संबंधित अथवा अपने भविष्य योगक्षेम के लिए कोई व्यवस्था की चिंता न, भगवान की जिम्मेदारी। और इस प्रकार जीने का आनंद देख लीजिए ना छोड़ करके, जब आपको पता लगेगा भगवान कैसे वहन करता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ओंकारम पादस्य विद्यात, इस ओंकार को पाद के साथ जानना चाहिए। पाद हो गया हमारा जागृत स्वप्न चिंतित, उसके साथ ओंकार की मात्रा को मिला करके तो इस परमात्मा की चिंता करना चाहिए। पादा मात्रा न संशय, निश्चित ही हमारे जीवन की पाद मतलब क्या जागृत स्वप्न हर अवस्था भगवान से जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे तो पादा मात्र न संचय, पाद क्या हो गया हमारे जीवन की हर एक अवस्था, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है मात्रा के साथ, मात्रा के ओंकार, ओंकार मतलब भगवान के प्रति, भगवान के साथ जुड़ा, जीवन की हर स्थिति भगवान के साथ जुड़ा, अंतर्जामी अंतर बैठ करके हर चीज़ को नियम बनाते, हर चीज़ को हमारी अनुकूल बनाते, जैसा जिसके लिए हम योग्य तदनुकूल बनाते, इसके लिए हम योग्य तदनुकूल बनाते। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा क्या हम क्या वस्तु हमारे पास आने से हमारे लिए लाभदायक होगा वो पहले से व्यवस्था करते हैं। इसे मात्रा पादा को अभी समझ लेना कि क्या कहना चाहते हैं। पाद के द्वारा क्या बोला हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्था, मात्रा के द्वारा क्या बोला ईश्वर स्थिति, मतलब हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था ईश्वर से मिला, ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। इसलिए इस भरोसे को लाओ बोले तो क्या हो जाएगा फिर बाहरी विश्वास संबंधित चिंता है ना। ओंकार पादश विद्या, इस प्रकार ओंकार अपने मतलब ईश्वर को अपने जीवन के पादश मतलब अपने जीवन के हर अवस्था के साथ मिला करके जान करके, ईश्वर को अपने जीवन के हर अवस्था के साथ मिला करके जान करके बस और चिंता मत। यही शब्द अर्थ है ना, इसको देखिए शब्द अर्थ एक है, इसका भी मात्रा शब्दों के द्वारा ओंकार के द्वारा ईश्वर को कहना चाहिए, ठीक है ना। अब अपाद क्या है हमारे जीवन की अवस्था, पाद मतलब जागृत स्वप्न प्रत्येक अवस्था, इस प्रकार से इस प्रत्येक अवस्था के साथ भगवान के साथ मिला करके इसको समझ लो कि हर अवस्था में भगवान, इसको जानने के बाद फिर क्या करो अपने लिए अपना कुछ प्रयास मत करो। और प्रश्न जीवन धारण ये चाहिए वो चाहिए ये होगा ये होगा, किसी को पूछ करके देखो जीवन के अंतिम समय तक बस कल कल दिन क्या होगा कैसे चलेगा चिंता ही छोड़ दो। जब तक प्रवर्तन किया जिस समय देखो मातृगर्भ में संतान आने के साथ साथ उस संतान के भोजन के लिए स्तर में दूध दिया तो भगवान के ऐसा नहीं है। इसीलिए शुरू से लेकर के यदि किसी बच्चे को देखने को उसको रक्षा करने के लिए क्या चाहिए होगा तो भगवान करते हैं, और केवल एक के लिए नहीं प्रत्येक जीव के लिए चीजी के से लेकर के रखने का होगा। परंतु यहाँ तक ये बुद्धि हमारी उत्तम मानने के लिए तैयार नहीं होती, फिर हम दुख को अनुभव करते हैं। यदि इस भाग इस जगह पर हम स्थिर हो सकते हैं तो कभी कोई दुख स्पर्श नहीं करते, प्रारब्ध नहीं हो सकता है कुछ आए मन विक्षिप्त नहीं मन बिल्कुल भगवान स्थिर है। जो भी है अभी इतना जीवन की अंतिम अवलंबन भी यदि आपसे छीन जाए तो अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा भगवान हमसे अनुमय, जीवन की अंतिम अवलंबन भी छीन जाए तो अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा भगवान आपको आपके साथ कुछ अनुमय है। एक बार इसमें भगवान एक बार भगवान नारद को लेकर के चलो मर्द लोग जरा घूम के आते हैं पूछते हैं जो क्षण हम मान के ऊपर हमारे महेशानंद गिरी जी ने सुना गया जो कि है ना दक्षिणामूर्ति मठ का राज्य शुरू कर बोलता है कि भगवान जो है नारद को लेकर आया थे हम लोग तो भीख मांग के खाएंगे चलो गुरु ब्राह्मण का वेश मांग करके भीख मांगने की बहुत अमीर का भक्ति के कमरे के सामने आया तो बोलता है भूखा हूँ थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। जब धर्मन बोलता है कि जल्दी भाग जाओ यहाँ से हमारे मालिक सुनेंगे ना उनको डंडा मार के भगाएंगे, मैंने किसी को भिक्षा अवसर नहीं देता बोलते हैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ बोल रहा हूँ कुछ दे तो तुम्हारे पास जो है तो बोलते हैं नहीं देना नहीं देना जाओ हाँ जो आज वो थोड़ा इंसिस्ट करने लगे भगवान तुम्हारे परीक्षा दे रहेगा भगवान इंसिस्ट करने लगे। इतने में अंदर से मालिक को सुनाई दिया वो बाहर आए बोलते हराम खोल भीख मांग के खाते मुस्टंडे दृष्ट पुष्ट जाओ डंडा मार के भगाओ इनको क्या करते हैं चला गया धीरे धीरे।
जाके दूर जाके बोलते हैं अच्छा भगवान इनको और धन दो लगते चौंकते इसको डंडा मन के बागान बोला और बोलते इसका और धन दो लग दो कोई बात नहीं नर वहाँ तक सहन कर लिया तो नरक पर जानते भगवान से फिर आगे और गए एक जंगल में पहुँचे ये रास्ते में तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी महात्मा की कुटिया दिखाई दिया तो वहाँ पर प्रवेश करके बोलते हैं कि बहुत भूखा हो रहा है कुछ खाने के लिए दे दो बोलते ठीक है बैठिए मेरे पास एक गाय है थोड़ा दूध दोहन करके आप लोगों को दे दो तो महात्मा ने बहुत आदर के साथ उन लोगों को दूध दूध निकाला गर्म किया उन लोगों को दिया देने के बाद फिर तृप्त होकर के बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है चले फिर दूर जा करके ऐसा घूम कर बोलते हैं आज रात को इसका गाय मर जाए चौंक गया कि इनको जो है भगवान को जो है मर्द में लोग करके माया जो है घेर लिया ऐसा बोलता है जिसने डंडा मार के भगा उसको बोलता है कि उसका संपत्ति और बड़ी एक व्यक्ति ने प्यास से बैठा कि उसका दूध जो है उनको पिलाया भूख मिटाया फिर बोलते उसका गाय मर जाए नारद से रहा नहीं नारद ने पूछा भगवान ये कैसी बात है नारद उसका एक ही आसक्ति के स्थान से था ये गाय बस वो छूट जाएगा ना अंतिम अवलंबन उसको ज्यादा धन आएगा उसको क्या वो क्या वो दे देता माम प्रपद्धं तेताम सतैव भवेयम माम तो भगवान की प्रतिज्ञा है वो धन दौलत चाहता है इसलिए मैं धन दौलत दिया ये मुक्त होना चाहता भगवान प्राप्त करना चाहता वही एक जगह बंधन था उसको मुक्त कर दिया इसीलिए अंतिम अवलंबन भी छीन जाए तब भी मन में ध्यान रखना भगवान हमारे लिए कर लेंगे इससे हमारा कुछ लाभ होगा यदि न किंचित अभी चिंता छोटा छोटा शब्द बोलते हैं परंतु कितना चीज इसके अंदर गहरा रहता है हम जो चिंतन किसके लिए करते हैं कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा ये जो अनसर्टेनिटी उसको फुलफिल करने के लिए चिंता होती है भगवान को पूरा छोड़ो भगवान को ठीक है इसलिए हम बोला ना कल भी मैं बताया भाव वृत्त ही भावतम शून्य वृत्त ही शून्यतम पूर्ण वृत्त ही पूर्णतम तस्मात पूर्णतम अभ्यास भगवान के चिंतन करोगे तो भगवान भाव में सिर्फ भगवत चिंतन के अभ्यास करो उनके ऊपर निर्भर होकर के जीने के अभ्यास करो मन आनंद से जीवन मिल जाए अब देखिए इसको मन टीका में देखिए ओंकारस्य पादस्य विद्या कीदृशी इति आशंका आह ये ओंकारस्य पादस्य विद्या ओंकार की प्रत्येक पाद को जानने से उसका जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार होता है कीदृशी इति आशंका आह ये शंका उठा करके बोलते हैं क्या बोलता है पादश विद्या ओंकार को पाद कैसे जानेंगे कि ओंकारस्य पादश विद्या कीदृश इति आशंका आह बोलता है पादा मात्रा न संशय जो पाद है वही मात्रा है जो मात्रा वही पाद है मतलब क्या है हमारे जीवन की हर अवस्था ईश्वर से जुड़ा पादश मतलब क्या होता है बाई स्टेप बाई स्टेप जिसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप मतलब एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ स्टेप ईच एंड एवरी सिचुएशन ईच एंड एवरी स्टेप ईच एंड कंडीशन उसका पादश ये देखिए ना वो जो दक्षिणा में किस स्तुति में आता है ना बाल्यादिशु अभी जागृता दिशु तथा सर्वासु अवस्थासु व्यापृता सु अनुवर्तमान महाव्यक्ति अंतस्फुरंत जीवन की प्रत्येक अवस्था भी परिवर्तन है उस परिवर्तन को देखने वाला परिवर्तन के अंदर प्रकाश करने वाला एक हम हमित अंतस्फुरंत ये भद्रमूत्र है वो दक्षिणामूत्र वो ईश्वर है वो हमारे जीवन के हर समय में जुड़ा हुआ है यदि हर समय में जुड़ा हुआ नहीं होता जीवन की परिवर्तन को आप नहीं देख पाते जीवन की परिवर्तन पारदर्शक मतलब इन ईच एंड एवरी स्टेप इन ईच एंड एवरी पाथ मतलब डार्क पाथ को लेकर ओंकारस्य पादस्य विद्या कि विशेष प्रकार ओंकार को पाद के साथ मिला करके जानने से क्या फर्क है किस प्रकार होगा वो किस प्रकार का होगा क्या होगा ओंकार मतलब परमात्मा क्या होगा आप धीरे धीरे परमात्मा के साथ एकत्र अनुभव करेंगे परमात्मा एकत्र अनुभव करेंगे मांडू को मैं बोलूँ वेदांत तो किसी भी ग्रंथ को भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाते हैं केवल लॉजिक नहीं है और रेनफोर्स्ड विद लॉजिक इसलिए वेदांत इंटेलेक्चुअल पीपल के अपील करता है क्योंकि डिवोशन भी है रेनफोर्स्ड विद लॉजिक देन विल नॉट डेविएट विल फॉर्म इन योर डिसीजन यस यस डिवोशन इज रेनफोर्स्ड विद लॉजिक यहाँ पे इसलिए बोलते हैं
कि प्रथम के सामान्य पादा मात्र है, ठीक है ना, पादा मात्रा पादा मात्रा मात्रश्च पादा, ये पादा जो इसके प्रति कहाँ पे लेंगे, ऊपर पादा मात्रा ना संशय श्लोक के प्रति कहेंगे पादा, ठीक है, पादानां मात्रानां च अन्योन्यम् एकत्वं कृत्वा तद विभाग विधुरं ओंकारं ब्रह्मबुद्ध्या ध्यायतो भवति कृतार्थता इति दर्शयति। देखिए टीका का कितना लिख दिया, देखिए पादानां मात्रानां च, है ना, पाद हो गया जीवन की अवस्था और मात्रा क्या होगा, अकाल करना होता ईश्वर स्वरूप, पादानां मात्रानां च अन्योन्यम् एकत्व के मतलब कि अभिन्नता, ईश्वर हमसे अभिन्न है, मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ, है ना, मतलब स्वरूप से दोनों एक है, दो चीज़ है ही नहीं यहाँ, ये व्यतिहार बोलता है, जैसा जैसा वसु पुरुष सोहम अस्म, जो यहाँ पे है वो वहाँ पे है, जो वहाँ पे है वो यहाँ पे है, इस प्रकार से ये दोनों में एकत्व को देखना, इस प्रकार जो पाद को साथ विद्यमान है जो जीव तत्व वही जो है ओंकार में विद्यमान जो शिव तत्व है, दोनों भिन्न वस्तु नहीं है, है ना, पाद के साथ विद्यमान जो जीव अपने को दिखाई दे रहा है ओंकार जो शिव तत्व है, इस दोनों भिन्नता नहीं है ये, तभी तो आप जो है मतलब शिवम शांतम शिव अद्वैतम अनुभव करेंगे, इसलिए पादाना मात्रानाम च अन्योन्यम एकत्वम कृत्वा दोनों की अभिन्नता को समझ करके तद विभाग विधुरम डिवाइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिविजन्स, डिवाइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिविजन, किसी प्रकार की वहाँ पे भेद नहीं है, समस्त प्रकार की भेद विधुरम मतलब रहित विधुरम, डिवाइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिविजन, जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई डिविजन नहीं है, भेद नहीं है, किस प्रकार से बोलते हैं कि एकत्व दोनों किस प्रकार ईश्वर के साथ एकत्व चिंतन करते हुए तो क्या आएंगे, हर प्रकार के विभाग से रहित हो जाएंगे, मन में हर प्रकार से विभाग से रहते, तद विभाग विदुरम ओंकारम, उस ओंकार को ब्रह्म, ये देखिए कब आप ईश्वर को क्या करेंगे, ईश्वर के साथ एकत्व चिंतन करते हुए ब्रह्म बुद्ध मतलब व्यापकता असंगता, इस प्रकार ब्रह्म मतलब क्या है, निरतिशय व्यापकता, और वो व्यापकता कैसे है, असंगता है ना, कर्तृत्व भक्तित्व सहित व्यापक, ये ब्रह्म शब्द का कोई विषय नहीं लेना, कोई देवता नहीं है, अपना असंग व्यापक स्वरूप उसको चिंतन करते रहे, इसलिए बोलते हैं ब्रह्म बुद्धिया ध्यायत, अपने स्वरूप को व्यापकता के रूप में चिंतन ध्यान करना, स्वरूप तो मैं असंग हूँ व्यापक हूँ पूर्ण हूँ, बस इस चिंता ये भाव, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति की धारा चलते असंग पूर्ण व्यापक, ब्रह्म बुद्धिया ध्यायत, क्या होता है ध्यायत मतलब ध्यान करने वाले का, ये पार्टिसिपल है, ध्यान करने षष्ठी एक वचन है, क्या होता है भवती कृतार्थता, बस जो कुछ करना था मनुष्य शरीर से कृतार्थ कृतार्थ अनुभव करता, भगवान ने जिसने इस शरीर को दिया था बस शरीर की पूरा उपयोगिता पूरा हो गई, जितना दिन प्रारंभ है कीजिएगा कीजिएगा नहीं कीजिएगा, मतलब इस समय ऐसा नहीं लगेगा आपको, इस समय मैं मर जाऊँ तो कुछ काम अधूरा रहेगा, ऐसा एक कृतार्थ, ऐसा एक मन में ऐसा भाव आ जाएगा, यदि इस समय इस क्षण में शरीर छूट जाए ऐसा नहीं होगा, हाँ ये छूट गया ये नहीं, बिल्कुल शांत नहीं, बस शरीर अपना प्रारब्ध पूरा करके चले, ये कृतार्थता भगवती कृतार्थता इति दर्शयति, इसी को दिखाते हैं अब आइए इसमें भाष्य में आ गए, यथक्ते सामान्य, इस प्रकार दोनों की समानताओं के द्वारा मतलब पाद और मात्रा की समानताओं के द्वारा पादा एवं मात्रा मात्रस्य पादा, देखिए व्यतिहार दोनों प्रकार से बोलते हैं, हमारे जीवन जीव की अवस्थाएं वही ईश्वर की मात्रा है, जो ईश्वर की जो मात्रा है ना वही जो है हमारी अवस्था है, इस प्रकार से मतलब पादा मात्रा मात्रस्य पादा, तस्मात इसलिए अब यहाँ पे तस्मात बोलते हैं ओंकार बुद्ध है, तस्मात तस्मात मतलब पाद और मात्रा दोनों में अनन्यम एकत्वा अभिन्नता होने के कारण, तस्मात मतलब पाद और मात्रा में कोई भिन्नता नहीं है, ईश्वर के साथ हमारे स्वरूप में कभी भी कोई भिन्नता हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि भिन्न हो जाएगा तो उसका अस्तित्व ही खो जाएगा, यदि ईश्वर हमारे साथ छोड़ दे तो हमारी अस्तित्व ही खो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं जाएगा, क्योंकि सतरूप में तो ही विद्यमान है, इसलिए आप बोलते हैं कि तस्मात ओंकार और पाद विद्या, इसलिए ओंकार को पाद के साथ मतलब अपने जीवन की अवस्थाओं के साथ मिलकर अनुभव करने का कोशिश करें, परमात्मा को अपने जीवन की हर अवस्थाओं के साथ मिला करके अनुभव करने का कोशिश करें, दुख भी है तो भी भगवान ही इसका अनुसरण करना, यदि सुख भी है तो उनके लिए, इस प्रकार से अलग करके ना देखिए,
इसलिए बोलते हैं ओंकारम पाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ओंकारम पादशो विद्वा, है ना, ओंकार मतलब ईश्वर, ईश्वर को, है ना, पादश पादश पाद कहाँ है, जीव में, है ना, तो ईश्वर को अपने साथ अभिन्न रूप में देखो, ठीक है ना। ये पाद मात्र शब्द के अकार उकार मकार में लोग उठा के ये चला जाते हैं, अटेंशन चला जाता है, लिविट अकार उकार मकार वो भी तो नहीं है, मात्रा को तो नाश कर दिया, मात्रा को लय करना है आपको, मात्रा को पाद मात्रा दोनों को लय कर देना है, यानी कि अकार उकार। तो इनिशियली अभ्यास करने के लिए थोड़ा अवलंबन मन लेने के लिए उसका अवलंबन ले सकते हैं, बाद में तो बस शुद्ध श्रद्धा भी मन सकते, इसी चिंतन में मन, इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं, यही वृत्ति हमारी जीवाकार वृत्ति को नाश करती है, और नाश करके अपने आप ही नाश करते, इसलिए वे बोलते हैं कि तस्मात् पादानां मात्रानां च अनन्यम एकत्वात्, पाद और मात्रा दोनों में संपूर्ण अभिन्नता होने के कारण इति अर्थः इसका भी तस्मात् ओंकार पादश विद्वा इति अर्थः। अब आगे टीका में देखिए, तद् एकत्वं पुरस्कृत्य ओंकारं उभय विभागशून्यं ब्रह्म बुद्ध्या जानीयात् इति। देखिए आपने आप टीका कर इसका सुंदर अर्थ कर दिया, तद एकत्व मतलब जीव और ईश्वर की अभिन्नता, इसको मान सामने रख करके, पुरस्कृत मतलब सामने रख करके, पूरा मतलब सामने, कृत रख करके, सामने रख करके, इसलिए बोलते हैं तद, ये देखिए पुरस्कार मतलब क्या होता है, हम लोग का प्राइज मतलब उसको सामने ला करके दिखाना, उसको सामने ला करके दिखाना, इसलिए बोलते हैं तद एकत्व पुरस्कृत, तो जीव ब्रह्म की एकत्व को सामने रख करके ओंकारम उभय विभाग शून्यम, आप क्या हो जाएगा, आप पाद कहाँ पे आ गया, ईश्वर में पाद दिखाई रहा है, ईश्वर में मात्रा था, ओंकार क्या होगा, अभी मात्रा पाद दोनों से नहीं था, वो तो उपासना करने के लिए अवलंबन के लिए बोला गया था, है क्या एक असंभव पूर्ण व्यापार, इसलिए बोलते हैं उभय विभाग शून्यम, इस यही जो शून्य रहित है, ये ब्रह्म बुद्ध है, यही व्यापकता, यही ब्रह्म है, इस बुद्धि से यही मेरा पार, जानिया इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको कहते हैं ओंकारम एवं ओंकारे ज्ञाते। अब इसका फल के बारे में उत्तरार्थ से तात्पर्य, ओंकारम पादश विद्या ये होगा, इस प्रकार जानने का क्या फल होगा, ओंकारम पादश विद्या न किंचित, क्योंकि मां एक बार ईश्वर निर्गुण आ जाता है ना, तो अपने आप ही मन से अवांतर चिंता अपने आप ही चला जाती है, यदि कोई चिंता रहेगा तो इतना ही हो सकता है कि सर्वभूत ही दे रहा है, अब अभी यदि प्रारब्ध के साथ जुड़ा होगा तो वो वृत्ति वो सूक्ष्म जो भगवान ही अपने मन में आपके मन में उठाएंगे, क्योंकि कुछ सामर्थ्य नहीं है, कोई एक चिंता होता है कि यदि ऐसा होता तो कुछ उन लोगों का था उसका तो मानुष को धर्म के मार्ग में आते, यदि ऐसा वृत्ति उठाए उसके लिए व्यवस्था भी वही करेगी, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार करिए, व्यवस्था भी वही करेगी, सूक्ष्म योग से सूक्ष्म। देखिए कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पशु जन्म को प्राप्त करूँ, कोई व्यक्ति नहीं चाहता, शास्त्र विधान क्या है कि अंत काल चमा में वह स्मरण मुक्त करूँ, अंतिम काल में जो व्यक्ति आपके मन में उठेगा अब तद अनुकूल शरीर को प्राप्त करेगा, अब किसी जन्म में कोई पाप के कारण हमारा अगला शरीर जो है पशु शरीर मिलना है, ठीक है ना, और हम तो भूल गए ना, हम जानने पर भी कुछ भयंकर पाप हो गया फिर भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे को पशु शरीर मिले, परंतु वो वृत्ति कौन लाती है, अंतिम समय में यदि वो वृत्ति मन में नहीं आएगा अगला शरीर नहीं होगा, तो अंतिम समय वो वृत्ति मन में कौन लाएगा, ये देखो छेद, यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आता है कि कैसे भगवान योग से बोलते, सुख के समय तो कर्तृत्व के साथ मैंने किया ऐसा लगता है, दुख तो हमने नहीं चाहता, लाया कौन, दुख भोगने के लिए जो जो विपरीत मनोवृत्ति हो कौन ला के देता है, जिस समय हमने अपने आप देखा है जिस समय हमारे सामने दुख भोग का समय आएगा ना, तो कमरे में बैठा हुआ है लोग बैठ के बैठे गप करते हैं, देखा कि कमरे को पड़ता है पड़ता थोड़ा सा जो इससे निकल गया, किसी विद्यार्थी छोटे है उसको बोलने से काम हो जाता है, परंतु हम सोचते हैं कि अरे हमारे शरीर में समर्थन दूसरे को क्यों बोलेंगे, एक टूल लेकर उसको उठना ठीक है, फिसला गिरा हाथ में चुप, मतलब कि हमारा आगे का दुख भोगने का समय आ रहा है, ऐसा वृत्ति मन में उठाए कि भगवान का दुख भोगने का निमित्त हमको हमारे पास, ये सूक्ष्म योग से इस प्रकार सुख के लिए भी ऐसा ही है, सुख के लिए भी ऐसा ही है, वहाँ पर समझ में नहीं है तो वहाँ पर हम सुख क्या सोचते हैं, हमने तो अपना बुद्धि से किया, हम यहाँ पर तो समझ में आ जाता है, स्पष्ट समझ में आ जाता है, दो जगह मित्र को समझा रही हूँ, और इसलिए ईश्वर के साथ अपनी अभिन्नता को चिंतन करना यही जीवन की ध्येय है, बार बार इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञता की बोध हो जाएगी,
इसी के बोलते हैं एवं बोलते हैं उत्तरार्थ से तात्पर्य मत श्लोक के अगला आधा भाग का ओंकार ओंकार पादश ज्ञाता न किंचित विचिंत इस आधा भाग का तात्पर्य क्या है उत्तरार्थ से तात्पर्य एवं ओंकार ज्ञाते इस प्रकार जो है ओंकार के साथ अपने अभिन्नता की अनुभूति हो जाने पर दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा ठीक है ना चाहे कोई दृष्टार्थम मतलब लौकिक फल के लिए दृष्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है एक दो प्रकार के फल होता है कर्म का कर्म का फल दो प्रकार एक दृष्ट फल एक अदृष्ट फल जैसे हमने भोजन किया भोजन करने से दृष्ट फल क्या है तुरंत तृप्त हो जाता है अदृष्ट फल नहीं अदृष्ट फल तीन भाग में विभाजन होता है अदृष्ट फल उपनिषद का भाग स्थूल भाग अदृष्ट दो आपका ये भी आपको दृष्ट में आ जाएगा स्थूल भाग का मलमूत्र के माध्यम से निकल जाता है उसके बाद जो उसका रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा या शुक्र सात रस में परिणत होता है वो आपका शरीर को पुष्ट करता है परंतु सूक्ष्मतम भाग अन्न का आपका मन आहार से दोष आपका शुक्र आपका मन को बनाता है मनोवृत्ति को बनाता है ये अदृष्ट फल अब यदि आप धीरे धीरे आपके दृष्टि मन के साथ आहार के कारण कैसे मनोवृत्ति का परिवर्तन हो रहा है यदि आप अपनी वृत्ति के ऊपर अत्यंत तो जागरूक रहेंगे तब आपको धीरे धीरे कई संवाद पता रहेगा मनोवृत्ति कैसे आहार का पता ठीक है ना इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के फल होते हैं इसलिए बोलते हैं आपके एवं ओंकार ज्ञाते दृष्टार्थ मतलब व्यवहारिक जगत में जो लौकिक फल है उसका अदृष्टार्थ ब्रह्मलोक हुआ अथवा स्वर्गलोक हुआ इसका कोई चिंता नहीं है वहाँ जहाँ ले जाएगा पापा नहीं कोई चिंता नहीं दृष्टार्थ अदृष्टार्थ न किंचित प्रयोजनम चिंता किसी प्रकार की प्रयोजन के लिए चिंता किसी प्रकार के प्रयोजन के लिए भाष्यकार की पंक्ति हमारी बोली नहीं है ये भाष्यकार लिख रहे हैं फिर और वो भी क्या बोला न किंचित चिंतन मतलब किसी भी प्रयोजन के लिए दृष्ट प्रयोजन अदृष्ट प्रयोजन के लिए चिंता ना करें ईश्वर की चिंता नहीं है यदि वो हमारे लिए आवश्यक होगा उसको ढो करके आपके पास लाने की जिम्मेदारी उनकी किसी ना किसी के माध्यम से उसके लिए कृतार्थत्वादिति अर्थ जो करना था मनुष्य शरीर से पूरा हो गया अब ये शरीर रहे चाहे जाए ईश्वर की इच्छा है यदि इसको रखने की इच्छा होगा तो इसके लिए आवश्यक वस्तु को भी वही पहुँचाएंगे यदि इसके जाने का समय हो गया तो कुछ ना कुछ निमित्त से जाएगा ही जाएगा कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा इतना इतना दृढ़ निष्ठा चाहिए कि देखो जब तक शरीर की प्रारब्ध है उस शरीर से द्वारा जो काम ईश्वर को कराना है उस काम को करता है सुख भोगना चाहे दुख भोगना हो तब निमित्त तो वो जो चीज आवश्यक हो लाके देगा और जिस समय शरीर का समय मतलब पूरा हो जाता है जिस समय और इस शरीर से काम नहीं है तो कुछ ना कुछ निमित्त लाएगा तो शरीर को इसलिए अगर बोलते हैं कि किंचित हम लोग जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य के जीवन में तो इसके तांत्रिक वो नर में जाग करना चाहते थे तो भगवान शंकराचार्य को बोला आपका शरीर चाहिए शीत चाहिए शरीर वो तो पद्माचार्य को पता लग गया तो अब नृसिंह को देखकर देवता के उपासक थे तब उस तांत्रिक को नृसिंह को मतलब शरीर से इतना ऊपर उठ गया उनका जो जिस काम के लिए आया था प्रयोजन जाएगा जाएगा नहीं जाएगा शंकराचार्य ने सब कुछ काम हो गया था लगभग जितना काम था वो जितना काम के लिए आए थे क्योंकि वेदों के शिष्य को तो पहले 8 साल बाद में 16 साल बाद में 32 साल इस प्रकार से उनका जो लाइफ स्टाइल बढ़ता है उतना काम पूरा तस्मात पादाना मात्राणाम च अनन्यम एकत्व द्वितीय अर्थ अब भी हो गया पाद यहाँ पे तीन टीका टिप्पणी हाँ तीन टिप्पणियाँ हैं ठीक है तद एकत्व पुरस्कृत ओंकार उभय विभाग शून्य इस प्रकार से उस एकत्व को सामने रख करके जो समस्त प्रकार के विभाग से रहित है आत्मा ओंकार ब्रह्म बुद्धि उसी को ब्रह्म बुद्धि से जानने का कोशिश करें ठीक है यहाँ पे एक नंबर दो नंबर एक नंबर टिप्पणी एकत्व कृत्ता मतलब अभेदम निश्चित कोई भेद नहीं है ऐसा निश्चय करके ठीक है ना कोई भेद नहीं है ऐसा निश्चित दो नंबर ओंकार ब्रह्म बुद्धिया ध्यायत ओंकार पहले ओंकार को अपने साथ मिलाया अपने साथ मिला के बाद क्या कर व्यापक कथा के साथ आपने एकत्र चिंतन करो इसमें फिर बोलते हैं ओंकार लक्ष्यम प्रत्यगात्मान ओंकार के तरह लक्षित कौन हुआ अभी प्रत्यगात्मा इंडिविजुअल सेल्फ अभी इंडिविजुअल कैसे है ये इंडिविजुअल मतलब वो परिच्छिन्न नहीं है व्यापक है इंडिविजुअल सेल्फ आत्मा
इंडिविजुअल तो होता है जो प्रतीति होती है, इसलिए हमें बोलते हैं ओंकार लक्ष्य ओंकार ओंकार के तरह लक्षित कौन है प्रत्यगात्मा, क्योंकि जो हम अपने साथ मिला करके किया अब वो कैसा है अध्यात्मक है, इसलिए हमें बोलते हैं ये चिंतन करने ओंकार ब्रह्म बुद्धि अध्याय ओंकार को ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करते हैं कि पुरस्कृत्य मतलब द्वारी कृत्वा दरवाजा बनाकर द्वारी के तो मतलब अंदर दरवाजे से अंदर आते हैं ना, मतलब इसको माध्यम मानकर इसके अंदर पुरुष के उसको सामने रख करके ओंकार करो धीरे 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 विशेष व्यापकता की ओर जाओ, सब विशेष व्यापकता का अवलंबन नहीं करके आपने शुरू किया था जाना कहाँ तक पहुँचना है आपको निर्विशेष तक, ठीक है ना, इसलिए आप बोलते हैं पूरे दारी कृत्य उसको दरवाजा बना करके अंदर तक पहुँचा। आगे वाले में देखिए बोल रहे हैं कि प्रणव टीकाकार अगला श्लोक के लिए 25 के लिए उपदघात दे रहे हैं, प्रणव अनुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवादकेन कृतार्थता भवति इति उक्तम। देखो क्या कहा गया इसके पहले, मतलब खाली का क्या कहा टीकाकार एक शब्द में समझा दिया, प्रणव अनुसंधान कुशलस्य यहाँ पे देखिए एक थोड़ा शब्द बोल दिया, प्रणव की अनुसंधान करने में कुशल व्यक्ति है ना, ये वास्तविक मेरा पाद और ओंकार रूपी जो है वो एक है और इसको अनुसरण मतलब पहले अवलंबन लिया था जानकर समझते अब उसको भी छोड़ करके व्यापकता के भाव में बैठने की अभ्यास हो गया। प्रणव अनुसंधान कुशलस्य ये देखिए यहाँ पे बोलते हैं प्रणव अनुसंधान कुशलस्य उत्तम अधिकारी न, मतलब अधम पुस्तक के सबसे अधम में भी जो उत्तम है, उत्तम सबसे उत्तम अधिकारी तो अयमात्मा ब्रह्म, मध्यम अधिकारी था स्वयं आत्मा चतुष्पद, आप जो उपासना के लिए जो कहा गया था उनमें से जो उत्तम है, उनमें से जो उत्तम है भगवान भाष्यकर ईश्वर के मंद मध्यम चला कर धीरे धीरे उत्तमत्व कैसे प्राप्त करे काल में दिखाया था आपको, मंद मध्यमानाम प्रतिपन्न साधक भावानाम सब इसमें एक एक करके उठाया था वहाँ के, इसलिए बोलते हैं प्रणव अनुसंधान कुशल से मतलब उत्तम अधिकारी न, ये अधिकारी न में कौन सा विभक्ति होना वचन होना चाहिए, देखिए प्रणव अनुसंधान कुशल से उसका अर्थ कर रहा है उत्तम अधिकारी ना इति अर्थ, विभक्ति क्या है यहाँ पे, अरे आप इसको देखो किसका अर्थ कर रहे हैं, हाँ षष्ठी बस अर्थ किसका कर रहे हैं, प्रणव अनुसंधान कुशल से टिप्पणी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा वो किस शब्द का अर्थ कर रहे हैं, प्रणव अनुसंधान कुशलस्य उसका अर्थ क्या है उत्तम अधिकारी न, अधिकारी प्रातिपदी का अर्थ लग गया तो अधिकारी षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, यहाँ पे मुश्किल क्या होता है कि प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन एक ही प्रकार उपयुक्त है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है इसी तो मैं पूछे यहाँ पर तो कन्फर्म कैसे करेंगे तो किसका अर्थ लिख रहे उसको देखो, ठीक है ना, किसका अर्थ कर रहे हैं सब प्रणव अनुसंधान यहाँ पे तो विभक्ति स्पष्ट है हाँ भी वही विभक्त होना चाहिए कि इसका, तो क्या हो गया अनुसंधान कुशल से प्रणव ज्ञाने न एव कि प्रणव के साथ अभिन्नता के बोध के द्वारा ही सर्वद्वैत अपवाद के न समस्त द्वैत प्रपंच निषेध हो जाने के कारण कृतार्थता भवति मतलब मनुष्य शरीर की विकांतीयता पूर्ण हो जाती है उक्त ऐसा पहले श्लोक में कहा, ठीक है ये पहले श्लोक में कहा, इदानी आप क्या कहना चाहते हैं इदानी तद अनभिज्ञस्य उस प्रकार इस प्रकार अच्छा उत्तम अधिकारी नहीं है उसके लिए तद अनभिज्ञस्य पर उपदेश मात्र शरणस्य अब जब दूसरे के उपदेश को सुन सुन करके थरा थरा करता है अभी तक अपने में करने का निष्ठा उतना नहीं है इसलिए बोलते हैं तद अनभिज्ञस्य पर उपदेश मात्र शरणस्य ध्यान कर्तव्यतम दर्त दर्शयती तब उनके लिए क्या बोलते हैं देखो केवल मात्र उपदेश सुनने से काम नहीं होगा उपदेश में जो कहा जा रहा है उसको कुछ करना भी पड़ेगा नहीं ऐसा कि वो केवल उपदेश सुनने से काम नहीं होगा उपदेश में जो कहा गया है उसको करना भी पड़ेगा इसीलिए को बोलते हैं निधाने तब अनभिज्ञ इस प्रकार मतलब ध्यान करने में एकत्र चिंतन में अभिज्ञता अथवा अब का अनुभव नहीं आया उसके लिए क्या कहता है पर उपदेश मात्र शरण से दूसरे ने कैसे उपदेश किया उसको सुनता रहेगा इतना ही है अपने आप करने की उतना ये नहीं होता ध्यान कर्तव्यता उनके लिए क्या करना चाहिए तुमको इसको जो बोला कि चिंतन करो अभिन्नता की चिंतन करो उसको करना चाहिए कथा ठीक है ना इसीलिए आपको कोई भी चीज़ ठाकुर जी के पास आए थे कोई व्यक्ति बोलता है कि ये बच्चा बहुत दूर खाता है मीठा खाता है बोलता है 7 दिन बाद
आज 7 दिन बाद है, देखो गुरु नहीं खाना, गुरु खाना खराब है, तो वो सब पिता मुझे 7 दिन पहले बोल सकते थे, तो इसलिए नहीं बोला कि मेरे को गुरु खाना फिर उसको छकता बोला तब काम करेगा ऐसा कुछ कथा है। तो ऐसे ही जो मतलब यदि हम किसी को कोई चीज़ समझाना चाहेंगे पहले हमको अपने आप अभ्यास करके उसको अच्छी तरह से अनुभव करें तब दूसरे को समझ में भी आ जाता है। क्या कहते हैं इसी बोलते हैं कि इधानीम तक अनभिज्ञ से पर मातृ शरण से ध्यान कर्तव्य तब दर्शक ध्यान करना चाहिए। इसको कहते हैं यहाँ दो नंबर टिप्पणी तन अनभिज्ञ से मतलब मध्यम से अधम से च, ठीक है ना, वेद एक महाऔषध है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए रास्ता खोल देता है। चलो थोड़ा सा बहुत करो तो थोड़ा बहुत करने से फिर भगवत पकड़ के खींच लेगा, ये अभिप्राय है। तो यहाँ पे बोलते हैं अब श्लोक में आ जाएंगे, युञ्जित प्रणवे चेतः, युञ्जित प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, न भयम् विद्यते क्वचित्, न भयम् विद्यते क्वचित्, युञ्जित प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, न भयम् विद्यते क्वचित्। युजिर जो के धातु है वहाँ पे जो जिसे ईद इकार ईट हो जाता है, ईदी तो था कि मुँह आ जाता है, फिर पोटेंशियल मूड है जो जुड़ना चाहिए, युजी तो सीट लगा लिया, जुड़ना चाहिए मतलब जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, कहाँ पे कहाँ जोड़ना चाहिए, प्रणवे चेत, प्रणव में अपने चित्त को लगाना चाहिए, प्रणवे चेत, प्रणव में अपने चित्त को चित्त को लगाना चाहिए। प्रणव शब्द का प्रकर्षण नव जस्मा तस्मा प्रणव, प्रकर्षेण नव जस्मा तस्मा प्रणव, मतलब जितना आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे उतना ही आपको नया नया चीज अनुभव होने लग जाएगा। प्रकर्षेण नव, भगवान हमेशा नया है, नव मतलब न्यू, मतलब जितना ही आप भगवान के अंदर चिंतन करते जाएंगे भगवान आपके नया नया अनुभूति देने लग जाएगा। प्रकर्षण ये जैसे एक नू धातु है, नू धातु सेकंड कंजुगेशन परस में बनता है, नू धातु उससे आपका अप प्रत्यय होता है, दंतना उकार की मात्रा, इस धातु का अर्थ होता है नौती, प्रशंसा स्तुति श्लाघा, इस अर्थ में आता है प्रशंसा करना स्तुति करना, इस अर्थ में आता है। तब प्रणव जब बनता है मतलब जो प्रकर्षण है स्तुति करने का योग है, प्रणव जो स्तुति पूज्य है, जिसका प्रशंसा, जिसका स्तुति, जिसका पूजनीय है, इसको दिखाने के लिए प्रणव भगवान ही है वो, इसलिए आप नू धातु से प्र उपसर्ग पूर्वक नू धातु से अप्रत्यय करते हैं, प्र उपसर्ग पूर्वक नू धातु से अप्रत्यय, पित है, पित होने के कारण बुध हो जाएगा, पित होने के कारण बुध होकर नू को नो हो जाएगा, नो होने के बाद एच अवय लगेगा, एच अवय लग के अ जुड़ गया तो नव बन जाएगा, नव प्र उपसर्ग है, प्र में रकार है, रकार होने के कारण उपसर्ग में भी जो लकार रहता है तो एक सूत्र आता है आपके पास आता है अग तो विपर अग मतलब गकार बीच में नहीं होना चाहिए, एक तो सामान्य प्रसाभ्याम नूना समान पद है, जब एक पद यहाँ पे निमित्त तो आपका उपसर्ग में है, तो एक पद होने के बाद वहाँ पे भी सूत्र में भूल नहीं का भी आया था, तो व्यवधान केवल उसको व्यवधान नहीं होना चाहिए, प्रादेशिक प्रकार के कारण वहाँ पे मूर्धन हो जाता है, मतलब जो प्रविष्ट रूप से स्तुति अथवा मतलब प्रशंसा के योग उपस्थित हो गया प्रणव है ना। और क्या मैं क्या बोला, जस्मात् प्रकर्षण नव तस्मात् प्रणव उच्च, क्योंकि हमेशा नया रहते हैं भगवान, जिसको पुराण बोलता है पुरापि नव एव, पुराण शब्द पढ़ता है पुरापि नव एव, पुरातन होते हुए भी हमेशा नया रहते हैं, पुराण होते हुए हमेशा नया रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई क्षय नहीं है, व्यय नहीं है, विकार नहीं, इसलिए हमेशा नया रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि प्रणव को आप अपने चित्त को जोड़ेंगे भगवान में तो आपको भगवान जो है नया नया ईश्वर की अनुभूति आपके अंदर,
पहले आप तो कुछ सगुण साकार को लेकर के चिंतन करें, दो मन में धीरे हो गए, फिर ईश्वर के पास क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निर्गुण निराकार निर्विशेष का निर्गुण। इसलिए प्रणवे चेत झुंझित, प्रणव में ईश्वर में अपनी चित्त को जोड़ो। क्यों? आपका अंदर डर भर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला डर होता है मैं मर जाऊंगा, मृत्यु भय सब में लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा डर है। परंतु ये प्रणव क्या है, निर्भय, भय रहित, जो तुम भय से मुक्त होना चाहते हो तब इसका आश्रय प्रणव ब्रह्म है। प्रणव ब्रह्म निर्भय, प्रणव ही ब्रह्म, भय रहित है। क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति का डर रहता है कि मैं मर जाऊंगा, अरे जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हो तो भगवान के भगवान के स्वरूप की जानो बस। इसीलिए प्रणव में जुड़ जाते, प्रणव का अपने स्वरूप को जब अभिन्न दिखाया, और अभिन्न दिखाने के बाद आप क्या बोलते हैं कि तुम जन्म मृत्यु के डर से डरते हो ना, तो बस वही एक तत्व है जो जन्म मृत्यु से रहते। शिवम शिव पदम एक शिव पदम निर्भय, एक शिव की पद जो है वही एकमात्र निर्भय, बाकी सब जगह पर डर बैठा हुआ है। इसीलिए प्रणव भय निर्भय, प्रणव कहता है ब्रह्म है वो भय रहित ब्रह्म है। तो क्या हो गया, प्रणवे नित्य युक्तस्य, इस प्रकार यदि हमेशा भगवान में मन लगा के रखेंगे ना प्रणव के साथ ब्रह्म के साथ, न भय विद्यते कचित न विभेति कुतश्चन, आनंदम ब्रह्म न विद्यत न विभेति कदाचन न विभेति कुतश्चन, तैतरीय उपनिषद बताए। तो इसलिए कि कभी भी आपको डर नहीं होगा, केवल यही अपने स्वरूप की ओर जितना चिंतन करेंगे, जितना ईश्वर निर्भर होकर के जिएंगे, कभी आपका मन में ये नहीं आएगा आगे क्या होगा, ना जाने क्या होगा, यदि नहीं होता तो क्या होगा। अधिकतर लोग पहले किसी घटना घटने से पहले यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा, नेगेटिव थॉट पहले आता है। परंतु मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ थोड़ा ईश्वर निर्भर होकर के देखिए, नेगेटिव थॉट माइंड से पहले चलता है। मैं कई व्यक्ति को देखा, अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, नहीं यदि ये नहीं होता, यदि ये नहीं होता बिगाड़ जाएगा तो क्या, फर्स्ट यही चिंता। परंतु उससे बचने के लिए हम पूर्ण ईश्वर निर्भर हो गए, वो चिंता मन में आएगा ही नहीं, जो होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। इसलिए झुंझित प्रणव स्थान को क्या करना चाहिए, बोला ना कि सामान्य साधक के लिए क्या करना चाहिए, देखो हर अवस्था में किसी प्रकार से भगवान से अपने को जोड़ने का कोशिश करो। प्रणवे चेत झुंझित, चित्त को क्यों पकड़ा, चित्त क्यों पकड़ा, कि चित्त मन को ट्विस्ट करता रहता है। चित्त मन तो जो सांप संस्कार रहता है, और संस्कार का अनुसार मन इधर उधर दौड़ता है। इसलिए चित्त भूमि को संस्कार को बढ़ता है, चित्त में चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब चित्त में जो बहिर्मुखिता है उसको सुधार करके ईश्वर मुखिता है। चित्त और मन का डिफरेंस, मन होता है कि इंद्रियों के माध्यम से विषय आकर के जहाँ पे पहले रखते हो गया मन, और संकल्प प्रेजेंट में, अच्छा फिर वो वहाँ पे क्या होगा, वो विषय वहाँ पे रखा। अब जैसे ही रखते तो चित्त उसमें जाए, पहले धक्का मारा तो वहाँ पे वो विषय है अनुकूल होगा, फिर जन्मांतरी संस्कार चित्त भी में, चित्त एक टेप रिकॉर्डर जैसा है, सारा जन्मांतरी संस्कार को इस शरीर में भोगने के लिए जितना है वहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा। जैसे आपको अनुकूल वस्तु दिखाई देगा इंद्रियों के माध्यम से, चित्त वहाँ से बोलेगा तुम्हारे लिए अनुकूल संस्कार कहाँ है, और मन के माध्यम से वृत्ति बाहर जाएगा, मरने का बाद जो नया लाइफ में भी चित्त आ जाएगा, अंतकरण चित्त निश्चित आएगा, क्योंकि चित्त नहीं मरता, कि सूक्ष्म शरीर वही रहता है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है, स्थूल शरीर बदल जाता है। इस शरीर के द्वारा संपद कर्म को संपादन करते समय जिस जिस प्रकार की भावना को हमने लाया, तब भावना चित्त में संस्कार होकर के बैठ जाता है। अब अनेक जन्म के संस्कार, इतना सूक्ष्म है चित्त, अनादिकाल से अनेक जन्म में कितना जोनियों को घुमा हमने, सब संस्कार वहाँ पर विद्यमान है। आप देखिए जैसे एक बर्तन में आप कुछ दिन तक लहसुन रख दीजिए, रख दिया ना, आप उस बर्तन को साबुन से धो डालिए, आप सूंघिए उसको, ये संस्कार, ये चित्त भूमि, ये चित्त भूमि, ये चित्त भूमि क्या करता है, आप अनेक जन्म के संस्कार में से इस मनुष्य शरीर में जैसा जैसा भोग होगा वो संस्कार को उद्भूत करता है समय में, और ईश्वर इच्छा से, ईश्वर इच्छा से, ये चित्त ये रिकॉर्डर है, ये कहता है डिलीवरी भी करता है रिकॉर्ड भी करता है, चित्त को इन्फॉर्मेशन देता मन माइंड, और फिर चित्त ने जो निश्चय कर वो बुद्धि निश्चय कर लेते हैं, जैसे दिखाई ये तुम्हारे लिए अनुकूल प्रतिकूल जन्मांतर संस्कार से बुधा ये अनुकूल, फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास। इसीलिए चित्त को पहले पकड़ते हैं हर जगह पर देखना चित्त शुद्ध, तब क्या होगा आपकी चित्त भूमि में संस्कार है उसको बहिर्मुख से भगवान की तरफ घुमा। झुंझित प्रणवे चेत, मन नहीं बोला, और मन बोलने से आपका कोई छंद बिगाड़ने वाला नहीं था, चेत बोला है ना, तो छंद में दो ही शब्द वहाँ भी आता है,
प्रण क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ प्रयास करते हैं ये अपने को बचाने के लिए करते हैं, डर है हमारे मन में बैठा कि मैं मर जाऊंगा। बचपन से छोटा बच्चा मरा नहीं, उस समय एक दूसरे घर में कोई मर गया तो ये जो हिंदू संस्कार संत का समय देखे गाड़ी ला करके ले गया, उनको देखा बाबा उधर जाओगे, नहीं नहीं मैं डरता हूँ। क्यों डरते? जन्मांतर मृत्यु संस्कार है, तो देख करके देखते हो संस्कार से परंतु यदि एक बार भगवान में मन को नित्य रूप से आप जोड़ सकते हैं तो न भयम विद्यते कचित। देखिए कितना बड़ा एक अभय वाणी दे रहा है यहाँ पे, ये श्रुति ने नहीं कहा, यहाँ पे श्रुति ने यहाँ पे 12 मंत्र भी नहीं कार्य का कार क्या बोल रखे, क्योंकि बद्रीनाथ में बैठ करके नारायण की तपस्या करके नारायण की कृपा से मन को कार्य कर रहा है, तो उनको भी दबा यदि ईश्वर को आश्रय करते हैं भय कभी भी प्रवेश नहीं कर पाए। न भयम विद्यते कचित, अब देखिए इसके ऊपर भाष्यकार बोलते हैं द्युंजित समाद अध्यात् सम्यक रूप में आधान कर देना चाहिए, द्युंजित सम्यक रूप में समाद अध्यात् है ना, सम्यक रूप से आधान कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, नहीं नहीं आधान करना चाहिए, दग्धात है ना, दग्धात नहीं बोला, दग्ध नहीं बोला, धा धातु है धारण करना, उसका थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन धातु है, उसको दिव्य हो जाता है, दिव्य हो जाता है अभ्यास चर्चा धकार को धकार हो जाता है, इसलिए बोलते हैं दध्यात मतलब धारण का सम्यक रूप से आधान करना चाहिए, धारण करना चाहिए मन में भगवान को सम्यक रूप से धारण करना चाहिए। समाधध्यात जथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे, मन को कहाँ लगाना चाहिए, जैसा यहाँ पे व्याख्यान किया गया ओंकार प्रणव में परमात्मा में प्रणवे चेतन, देखिए चेतन लिखने के बाद फिर मन लिखना है, स्टार्ट काम शुरू होगा मन से और फिर चित्त तब मन जैसा जैसा चीज ला के देगा उतना मन को चित्त संस्कार होगा, ये पुरुष ये पुरुष और भाग्य के हिसाब से चित्त अपने संस्कार को लाके सामने रखेगा प्रारब्ध के अनुसार, परंतु पुरुष करके द्वारा कोई चीज़ हमको अच्छा लगता था तब हम अंदर से चित्त भी बोलता है ये अच्छा है तुम्हारे लिए अनुकूल है, अब या मैं देखा कि इसको अच्छा बार बार ग्रहण करते करते इसी के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ, अब हमको क्या करना है, नहीं ये अच्छा हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब वो अच्छा का जो संस्कार लगा हुआ था वो धीरे धीरे इरेज आउट होता है, और यदि उसको मैं दोबारा ग्रहण करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो दाग और गहरा होता है, फिर वो आगे और एक नया प्रारब्ध उत्पन्न करें, प्रारब्ध क्षय करना अभी हमेशा ध्यान रखना, इस शरीर से अभी नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो, जो भी प्रारब्ध है भोग करके क्षय कर दिया जाए, प्रारब्ध उत्पन्न नहीं हो जाए, केवल इसको पढ़ लेते समाधान जाता व्याख्या परमार्थ रूप प्रणव चेतमान यस्मात प्रणव ब्रह्म, क्योंकि प्रणव जो है वह व्यापक है, कैसे व्यापक था, भय रहित व्यापक था, क्यों भय रहित है, द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वितीयात वही भय भवती, भेद बुद्धि से डर होता है, भेद बुद्धि से डर होता है, आप बोलेंगे महाराज ऐसे नहीं है, हमको तो अकेले में डर लगता है, सामान्य व्यवहार में क्या बोलते हैं, अकेले में डर लगता है, भूत प्रेत पिशाच का डर लगता है, मन में क्या है वो अकेला दिखता है, भूत प्रेत पिशाच मन में बैठा है उसके डर लगता है उसको, परंतु ब्रह्म व्यापक नहीं है, असंग तत्व है, व्यापक तत्व है, पूर्ण है, वो निर्भय पथ है, क्योंकि दैत्य नहीं है वहाँ पर, इसलिए बोलते हैं स्मार प्रणव नहीं तत्र सदा युक्त, क्योंकि उस प्रणव में हमेशा जुड़ा रहने व्यक्ति का भयम विद्यत कचित न विद्यत, भयम कचित न विद्यत, न कर वहाँ विद्यत क्रियापद के साथ अन्य होगा न करेगा, यानी किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान में उसका किसी भी प्रकार का भय नहीं, आपके सामने पूरा तलवार लेकर के खड़ा हो गया मार डालो, हंस दिया तो आपको मारने वाला संचार में आज तक तैयार ही नहीं हुआ, शरीर मरने वाला है आज नहीं तो मरने वाला, जो होता है विद्वान न विभेद प्रदर्शन, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता है, ये तैतरी उपनिषद का 2:9 है, 2:9 मतलब ब्रह्मानंद बोले के नवा अनुभव, आप इतनी सुबह है ये सुखि होने के काम ठीक है, नहीं रखते हैं ना, अच्छा अब जो है एक मिनट इम्पोर्टेंट चीज है, पाठ कल तो अष्टमी है, पाठ बंद रहेगा 1 तारीख तक, अमावस्या प्रतिपादक भी आ गए, फिर 2 तारीख से पाठ शुरू होगा, परंतु उस समय पाठ अप्रैल महीना हो जाएगा तो 7 बजे से पाठ होगा, इसके बाद जो पाठ होगा 2 तारीख से पाठ होगा और तो क्या सुबह 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे हाँ क्योंकि क्षेत्र का समय बदल जाएगा ना, 7 बजे से पाठ होगा तो 2 तारीख से पाठ होगा, कोई विशेष काम से तो मेरा जाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही बोल दिया, आज कल तो अष्टमी है, इसको अमावस्या प्रतिपद आएगा वो भी बंद नहीं था, अभी तो 4-5 दिन का समय चला गया, तो आज कहाँ बोलना है, द्वितीय पहला
कौन सा बोल रहे हैं? तीन नंबर बोलिए, जल प्रज्ञा। हाँ, जल प्रज्ञा लोका भाषा प्रयति शांत स्वभाव मचो मन उदन्वती पावनीयो सर्वभा